हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। जो स्टॉक देख रहे हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस, उसमें कैसे मूवमेंट आने वाला है और उसमें कैसे ट्रेड होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कैंडल दिखाई दे रहा है ये 6 मंथ का कैंडल है, 6 मंथ का ट्रेंड है और 1 डे कैंडल, हर एक कैंडल 1 डे का हिसाब से है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ क्लोजिंग हुआ है 700 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। कितना वोट गिरावट के बाद 780 हाई मार के यहाँ से बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुआ है। करेक्शन दे के यहाँ पर 796.90 को लो किया है। आपका एंट्री पॉइंट कहाँ होगा? ये 700 के आसपास आप एंट्री करिए, नहीं तो 685 to 700, यानी 15 पॉइंट और नीचे या 25 पॉइंट और नीचे अगर मिलता है तो और बढ़िया, अगर नहीं तो यहीं से आप फोल्ड करके रखिए। और टारगेट रहेगा आपका 750 और 750 से एबव, 50 पॉइंट का एबव बढ़िया टारगेट बना सकते हैं यहाँ पर। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ये बहुत बढ़िया शेयर है, ये HDFC कंपनी का। अभी लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा डिमांड होगा क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ गया और उसमें ज़्यादा सेल होता है उन लोग का लाइफ इंश्योरेंस। तो इस समय आपको इन्वेस्टेड करना है और HDFC लाइफ इंश्योरेंस ऐसी ब्रांड कंपनी है और उसमें आप आराम से इन्वेस्ट करिए। और भी जो प्राइस चल रहा है 700 के पास पास, यहाँ पर क्या हुआ है ना, ब्रेकआउट दिया है पिछले का जो कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। तो आप यहां से CNC में होल्ड करके रखना है, जैसे टारगेट अचीव होता है तो आप एग्जिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट शेयर करके करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।